ईसाई धर्म गुरु ने मुरादाबाद की लड़की को प्रेम जाल में फंसा रचाई शादी फिर हुआ फरार। आपको बता दें कि ईसाई धर्म में और हिंदू धर्म में शादी करने का रीति रिवाज कुछ अलग तरीके से है। आज हम आपको बताएंगे कि एक फादर ने जिनका नाम संजय फ्रांसिस है मुरादाबाद की लड़की पिंकी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। शादी करने के बाद फादर ने लड़की को पहले गाजियाबाद में रखा, फिर रेटोल में रखा, उसके बाद मेरठ में भी रखा। जब लड़की को पता चला कि जिस संजय से तुमने शादी की है वह संजय फ्रांसिस फादर है, पिंकी ने अपने पति बने संजय फादर को से बात की। तभी संजय फादर ने उसको धमकाया, डराया और चुप रहने को बोला। लेकिन कुछ समय बाद लड़की को जब शक होने लगा तो उसको इंदिरापुरम गाजियाबाद में फ्लैट लेकर रख दिया, जहां पर दो फादर मिलकर रह रहे थे। ऐसा नहीं है कि इस घटना के बारे में किसी को ईसाई धर्म के किसी को धर्म गुरुओं को ना पता हो। अब अपने धर्म को बचाने के लिए ईसाई धर्म गुरुओं ने करुणा की दूसरी लहर का फायदा उठाया, जिसमें संजय फादर को करोना से मौत होना दर्शा दिया गया। आपको बता दें कि मेरठ में दफनाने के लिए बॉक्स बनते हैं, वहां के रहने वाले विषय में संजय फ्रांसिस के लिए एक बॉक्स बनवाया, फिर उसकी वीडियो बनवाए और मृत घोषित कर दिया। जब कभी भी किसी की भी फादर की मौत हुई है इंटरनेट पर दर्शाया गया। संजय फादर की पत्नी जिसका नाम विपिनकी है, पिंकी है, उसे रात में फोन आता है। 19 तारीख की रात को ही फादर की मृत्यु हो गई है। पिंकी बदहवास हालत में मेरठ पहुंचती है, लेकिन तब तक संजय फादर को दफना दिया गया था। आपको बता दें कि महिला ने बताया कि मरने से पहले संजय फादर व उसका भाई रोहित ने महिला को धमकी भी देते रहते थे, अगर तुम कहीं रिपोर्ट या जांच कराओगी तो मैं तुमको भी मार दूंगा। जब संजय फादर को पिंकी ने यह बात बताई तो संजय फादर ने कहा, यहां पर ऐसा ही होगा, तुम्हें चुप रहना होगा। अब पिंकी को पता चला कि एक पंजाबी की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया गया और मामले को रफा दफा कर दिया गया, लेकिन पिंकी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह दो फादर के बीच में फंसी थी। पिंकी को कुछ महीने बंधक भी बनाया गया फादर के द्वारा, लेकिन संजय फादर को नहीं दर्शाया गया। हमने मैं सर जॉन से बात की, उन्होंने बताया कि संजय फादर मर गए, उनका बॉक्स हमारे यहाँ से ही गया है। तब संजय फादर मर गए तो हमने पूछा, आप वहां पर मौजूद थे जब बॉक्स को दफनाया गया? मिस्टर जॉन और फादर मिल्टन का कहना था कि हम वहां मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि जब फादर की मृत्यु हुई, संजय फादर के परिजनों का कहना है कि हमको भी नहीं बताया गया और ना ही दिखाया गया संजय को कब दफना दिया गया। ऐसा ही लड़की को या उसके परिजनों को भी नहीं बताया गया। दरअसल मामला पूरा पलट चुका था, पर स्कूल के अधिकारियों ने ईसाई धर्म में परिवर्तित होने का दबाव डाला। पिंकी ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद स्कूल के अधिकारियों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे एक सनसनीखेज खबर जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम यहाँ से एक खबर को लेकर मुरादाबाद के लिए रुक किया। हम मुरादाबाद पहुँचे। पीड़िता की कहानी इतनी लंबी है कि आप सोचकर हैरान हो जाओगे, लेकिन जी न्यूज इंडिया की टीम ने कसम खा ली थी कि हम इस मामले की परत दर परत खोल कर रखेंगे। आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, महिला की जुबानी। आप सभी ने आज तक देखा होगा, सभी जाति और सभी धर्म के लोग, सभी धर्म गुरुओं पर आँच आती आई है। मैं किसी भावना को ठेस नहीं पहुँचाता, किसी भी धर्म के प्रति मैं गलत काम नहीं करना चाहता, ना ही मेरा उद्देश्य है कि मैं किसी धर्म के बारे में कुछ कहूँ। लेकिन आज उस हद तक गुजर गए जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। हिंद आपको हम बताएंगे, ईसाई के धर्मगुरु कितना खौफनाक सच, जिसे देखकर आपका कालजा दहल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है मुरादाबाद से, जहां एक फादर ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। आपको बता दें कि कैथोलिक धर्म में जो फादर होते हैं, पादरी होते हैं, वो कभी शादी नहीं करते। आपको हम बताते हैं कैसे जिंदगी खराब की एक लड़की की, जिसमें शामिल थे बहुत सारे धर्मगुरु, ईसाई धर्मगुरु, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ईसाई धर्मगुरु उसको ऑपरेट करते चले आ रहे हैं, लड़की की जिंदगी खराब कर दी है, और अब दिखा दिया है कि संजय नाम के फादर जो जिंदा हैं, जिसके सबूत हैं, जिंदा फादर हैं, जिसको वो मृत घोषित करना चाह रहे हैं। हमारी बात चार चार पाँच पाँच फादरों से हुई, सबके अलग अलग बयान थे। अभी हम मुरादाबाद से रटोल पहुँचे, रटोल से इंदिरापुरम पहुँचे, जहाँ पर फादर रहते थे, और फिर मेरठ पहुँचे, मेरठ बिशप, जहाँ से बॉक्स बनते हैं, मरने वालों के बॉक्स बनते हैं। और आपको बता दें कि जब कोई फादर मरता है
को उसकी पक्की कब्र बनाई जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ फादर और धर्म को बचाने के लिए इन लोगों ने वो हदें पार कर दी जो आप सोच नहीं सकते। ऐसा ईसाई धर्म में हुआ। अब इसके आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। देखिए, सिक्के का एक पहलू और भी बताना चाहेंगे। अपने धर्म को बचाने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया, डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया, इंटरनेट पर भूल गए चढ़ाना। कोरोना में जितने भी लोग आज तक मरे हैं, जितने भी फादर मरे हैं, नेट पर चारों फादर शो कर रहे हैं, संजय फादर शो नहीं कर रहे। केवल अपने धर्म को बचाने के लिए एक नहीं दो दो लड़कियों की बलि चढ़ा दी गई। एक लड़की जिससे शादी की छल किया, कपट किया, और उसे शादी करने के बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उस मंडप को भी हम दिखाएंगे जहां फादर ने शादी की है, उस जगह को भी हम दिखाएंगे जहां फादर ने शादी करके उसको रखा, जिसमें दो दो फादर शामिल रहे। और ऐसा नहीं कि फादर तक ही सीमित रहा, फादर बिशप जो इनके हेड माने जाते हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि आपकी बात ठीक है, और हमने उन्हें स्पष्टीकरण भी दिया और बताया, लेकिन वो हमारी बात का कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। ईसाई धर्म में धर्मगुरु ये कर क्या रहे हैं इसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते। अपने धर्म को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये लोग, वो हम दिखाएंगे आपको अपनी रिपोर्ट में। देखते रहिए हमारे साथ ये रिपोर्ट, जी न्यूज़ इंडिया। एक खास बात जो सबको दिखाई देती है, आप लोग भी समझ जाएंगे। जिस दिन फादर की डेथ हुई, हम मानते हैं संजय फादर की डेथ हो गई, जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन वेंटिलेटर पर वो लेटकर वीडियो कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, पेटीएम से अपने फ्लैट का भुगतान कर रहे थे। जिस दिन वो मरे उस दिन मरते समय उन्होंने डिश का रिचार्ज कराया। जिस दिन वो मरे उन्होंने अपनी फेसबुक डिलीट कर दी। जिस दिन वो मरे तभी व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। कोई भी सबूत छोड़े ना, नेट पर कोई भी सबूत ना रह जाए, इसे देखकर फादर ने सब कुछ डिलीट किया। क्या हो सकता है कि वेंटिलेटर पे इतने काम हो सकते हैं? फ़ोन भी रिचार्ज होगा, व्हाट्सएप भी चलेगा, वीडियो कॉल भी चलेगी, और पेमेंट भी होगा। क्या मरने वाले को पहले ही पता है? काश अगर किसी व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है तो उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने मोबाइल को चलाए और रिचार्ज कराए, फ्लैट का किराया दे, उसके बाद फ़ोन रिचार्ज कराए, उसके बाद पेटीएम से भुगतान करे, उसके बाद वो मर जाए, वो डिलीट करे, अपने को इंटरनेट से गायब करे। सवाल ये उठता है कि मरने से पहले जिस दिन वो मर रहे थे ऐसा किसने, ऐसा क्या था कि संजय फादर को पता था मैं मरने वाला हूँ? जबकि संजय फादर के सहयोगियों का कहना है कि संजय फादर मर गए, लेकिन कॉल डिटेल के हिसाब से हमने कॉल डिटेल खंगाली, जिसमें संजय फादर अपने मोबाइल से इतना काम कर चुके थे कि अपना सब कुछ नेट से गायब कर दिया। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। आपको संजय फ्रांसिस कहाँ ले गए थे? मुझे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में फ्लैट में रहते थे, जहाँ के उनका बड़ा फादर भी रहता था, वो भी रहते थे। अच्छा, दो रहते थे? हाँ, दो फादर रहते थे जी। फिर उसके बाद जब मैं उनके घर पर भी गई, मुझे ये बता दिया, उन्हें एडमिट करवा दिया अस्पताल में जी। ये कह दिया कि आप जाओ। फिर जब उनकी मौत की खबर दी तो मैं उनके घर पर गई, उन लोगों ने, उनके भाइयों ने, माँ बापों ने, सब ने, उनके घर पर कोई मेहमान भी नहीं था, बस चूड़ी बिछी मेरे उतरवा दी और मुझे गंगा जी नहलाने भी भेजा, लेके गए। और फिर उसके बाद बता दिया कि आप अपने घर चले जाओ, ये बता दिया सर मुझे। और फिर उनका एक फादर है, राहुल फादर, उसने एक गर्लफ्रेंड को अपनी प्रेग्नेंट करके और अपने छोटे भाई को दे दिया, और फिर दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई जिसने कि वो फांसी लगा रही लड़की, तो वो संजय फ्रांसिस को मेरे पास में बैठ के वीडियो दिखाई थी, मैं रिटॉल में थी उनके पास में। फिर एक मैथ्यू फादर है सर, उसने उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है, उसके माँ बापों ने, वो लड़की पंजाबी है, उसके घुटने तक तोड़ दिए, मगर वो बात करना बंद नहीं करा, उसने ये कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। और फिर ये लोग ऐसे ही करते हैं सर, इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए सर, और मुझे, मेरा पति जिंदा है तो मुझे दे दिया जाए, और अगर कोई बात है तो कब्र फड़वा कर मुझे सबूत दिखाया जाए सर। आपकी शादी
कैसे हुई थी? हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी या ईसाई धर्म के अनुसार हुई थी? मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई। कहाँ पर हुई थी? मुरादाबाद में हुई थी। मुरादाबाद में बैंकट हॉल में हुई थी? किसी मंडप में हुई थी, बैंकट हॉल में हुई थी। आपके पास वहाँ के फोटो सबूत हैं? जी हाँ, सब कुछ है। रसीद कटवाई थी वहाँ की है? जी हाँ है। आधार कार्ड वगैरह? जी हाँ, आधार कार्ड भी है। आपने दहेज वगैरह दिया था? जी सब कुछ दिया था, सोने की अंगूठी, चैन, बाइक, सब कुछ दिया था और सारा दान दहेज के साथ साथ। अच्छा, उसमें और भी फादर मिले हुए थे? जी। उनके साथ कितने फादर मिले होंगे लगभग? एक मैथ्यू है, एक राहुल फादर है सर, वो भी मिले हुए थे। नाम आपका? मेरा नाम पिंकी है सर। पिंकी जी, आप कहाँ रहती हो? मैं मुरादाबाद जिले के ग्राम हमीरपुर में रहने वाली हूँ। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ एक फादर ने शादी करके, संजय फ्रांसिस फादर ने शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी। 5 फरवरी 2020 को मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद उन्होंने मुझे बागपति जिले के रेटोल के मेरी सस चर्च में हॉस्टल बना हुआ वहाँ पर रखा था। अच्छा। शादी के बाद फिर उसके बाद उनका एक साल के बाद ट्रांसफर हो गया गाजियाबाद। आपसे क्या बताया था उन्होंने शादी करते समय, क्या करते हैं? इलाहाबाद का रहने वाला बताया था और बताया था कि मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल में। अच्छा, फिर आपको कहाँ ले गए? मुझे रिटॉल में ले गए थे, संत मेरी चर्च है वहाँ पर हॉस्टल बना हुआ वहाँ पर रखा था मुझे। अच्छा, आपको पता है कि फादर लोग शादी नहीं करते, उन्होंने बताया था? और भी कोई लोग? फादर नहीं बताया था, मुझे मास्टर बताया था, प्रिंसिपल बताया था। अच्छा, और भी कोई उनके साथ रहते थे? और फादर रहते थे उनके साथ में। रहते थे जी। क्या नाम थे उनके? एक कंप्यूटर प्रकाश था जो बागपत में था, वो रिटॉल में। अच्छा, और जो फिर वहाँ पर रहते थे उनका नाम मुझे मालूम नहीं है। आपको कब पता चला ये ईसाई है? मुझे उसके बाद में पता लगा था, जब काफ़ी टाइम हो गया था रहते रहते। अच्छा, इनके धर्म गुरुओं ने क्या कहा आपको? उनके धर्म गुरुओं ने ये बताया था, पहले मुझे नहीं पता था, फिर बाद में पता लगा तो सर वो बोले क्या ये फादर हैं, अब मैं फिर जब शादी हो गई तो फिर बाद में थोड़ी ना छोड़ देती। जी, तो फिर कहाँ गए संजय फादर, क्या हुआ? उनकी बता दिया कि उनकी मृत्यु हो गई और आप अपने घर चले जाओ। आपको बोला इन लोगों ने? जब उनकी मृत्यु हुई थी तो आपको बुलाया था उन लोगों ने? उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, बस मौत की खबर दी थी और यहाँ से चली जाओ और मौत, उनकी मौत हो चुकी है। मैंने पूछा कि कौन सी पत्नी होगी कि उस अपने पति का मुंह नहीं दिखाया जाएगा। जी, उनके परिवार वालों ने कह दिया कि हमें भी नहीं बुलाया गया और आप अपने घर चलो, ना मेरे परिवार को कोई खबर दी ना मुझे कोई बुलाया। क्या संजय फादर के जो परिवारजन हैं, जो लोग हैं, उन लोगों ने आप संपर्क किया? मुझे उनके भाई ने बताया था, राजेश थॉमस ने, क्या रात को उनकी मृत्यु हो गई, सुबह को 5 बजे फोन करा था। अच्छा, किसने बताया? उनके भाई संजय, उसने, राजेश थॉमस ने, कि भाई की मृत्यु हो गई। हाँ, कि भैया की मृत्यु हो गई और आप आना मत। मृत्यु हुई कैसे थी, क्या बताया? बता रहे थे कोरोना में मरे हैं वो। अच्छा, कोरोना में मर गए? हाँ, कोई बता रहा था उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, कोई कह रहा था टाइफाइड हो गया, कोई कह रहा दिल का दौरा पड़ा था, कोई कह रहा दिमाग की नस पड़ गई, अलग अलग तरह की बातें बताई गई थी सर मुझे। अच्छा, और संजय फ्रांसिस के भाई का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि हमें नहीं पता, संस्था वाले जान सकते हैं, हमें नहीं पता मृत्यु हुई है या नहीं हुई है, हमें भी नहीं बुलाया गया। अच्छा, संजय फ्रांसिस के फादर को भी, फादर के परिजनों को नहीं बुलाया गया? हाँ, उन्होंने हमें यही बताया कि हमें भी नहीं बुलाया गया। तो आप मेरठ में भी रही हैं? आप मेरठ में नहीं रही सर, गाजियाबाद।